यकीन मानिए ये मौसम ना परफेक्ट है किसी के प्यार में गुम होने के लिए, बशर्ते आप इस बात का इजहार कर सके कि आप किसी के प्यार में हैं, जो सही बिल्कुल नहीं कर रही। जी हाँ, दिखाती तो ऐसे है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि विराट और पाखी साथ साथ रेस्टोरेंट में पाए गए, लेकिन घर आकर जो सवालों की झड़ी इन्होंने लगाई है ना विराट के लिए, भाई लगता नहीं कि इनको कोई फर्क पड़ता नहीं। सई ने पाखी और विराट को एक साथ रेस्टोरेंट में देखा तो उसे बुरा क्यों लग रहा है? वो तो हमेशा एक ही बात कहती है कि विराट सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आज विराट से यूं सवाल जवाब करता देख हमें तो लगता है कि सई तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, उसे वो तकलीफ तो थी, लेकिन विराट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन वो फिर भी सही है, उसके दिमाग में वो सुई अटकी हुई है, तो वो क्लैरिटी उसको जब तक बोलते हैं ना, एक कुछ चीज़ें होती हैं जो मुंह से बोलनी ज़रूरी होती है, कि जैसे प्यार का बयां कर देना या किसी चीज़ का क्लैरिटी लाना। विराट, आपका जो तरीका है ना सही को समझाने का, वो एकदम परफेक्ट है। वो क्या कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं ना वैसा ही करते रहिए, देखना ये सही कैसे खुद ही इजहार कर देगी कि वो आपसे प्यार करती है। पाखी दीदी, आपकी सिर्फ फ्रेंड है और कुछ नहीं? तुम्हें गुस्सा इसलिए आया क्योंकि तुमने मुझे और पाखी को वहाँ साथ में देख लिया, तो मैं ये सोचा कि मैं सभी घर वालों के सामने ये सब छुपाऊंगा। बोला मैंने तो सबको बता दिया, कुछ नहीं छुपा, यहाँ तक कि सम्राट को बता दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मुझसे बकवास सवाल पूछ रहे हो? पाखी और आप रेस्टोरेंट में मिले, बातें की, ये बात उसे अच्छी नहीं लगी और सई को जलन भी हुई। तो भाई जलन तो वही होती है जहाँ प्यार होता है। सॉरी, मेरी गलती है ना, मैंने आपसे ये सवाल पूछा क्योंकि आपने जो सबसे कहा और जो मैंने देखा वो दोनों बातें अलग है, मेल नहीं खाती। ओके, वहाँ पर मेरे साथ पाखी नहीं होती, कोई और लड़की, क्योंकि ना तो मैं शादी को मानती हूँ ना तुम्हारे दिल में मेरे को फीलिंग्स है, तुम्हें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? विराट ने वैसे बोल तो दिया है काफ़ी बार के पसंद करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन पसंद करना और प्यार करना थोड़ा आई थिंक फ़र्क होता है उसमें। और विराट इज़ नॉट, ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू ब्रिंग हिमसेल्फ टू से दैट, कि वो तीन शब्द बोल नहीं पा रहा है, या तो ढाई अक्षर प्रेम के जैसे बोलते हैं। लेकिन क्या लगता है, सही है अपनी जगह पे? मेरे ब्यूटी है, शो की ब्यूटी है, मतलब हर एक अपनी जगह पे सही है एंड और वो सही है। सही, हम तो आपके लिए बस इतना ही कहेंगे कि भगवान आपको थोड़ी सी सोचने और समझने की क्षमता दे, क्योंकि आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि विराट से अब आपको भी प्यार हो गया है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।